इसराइल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव पहुंचे हैं फ्रांसिस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने इस दौरान मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फ्रांसिस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी बंधकों की रिहाई करना होगा। मैं इसराइल के लोगों को कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। हमास का खात्मा करने के लिए इसराइल ने एक नई टीम तैयार कर ली है। ये फोर्स कैसे काम करेगी और क्या करेगी, इसका ब्लूप्रिंट भी अब सामने आ गया है। आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए आईडीएफ पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले क्या है इसराइली सेना की रणनीति, इस पर एक रिपोर्ट हमने बनाई है। रिपोर्ट देखिए। हमास के खिलाफ इसराइल की जंग जारी है। आईडीएफ की बमबारी में गाजा पट्टी में जगह जगह तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमले हमास की हवाइयां उड़ा रहे हैं। आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। एयर स्ट्राइक के साथ ही अब जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए टैंक और तोपें गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। इसराइल का मकसद हमास का खात्मा करना है और इसके लिए पूरी प्लानिंग बनाई गई है। कब और कैसे हमला करना है, इसका हर अपडेट प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद दे रहे हैं। तेल अवीव पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस से मुलाकात के बाद भी नेतन्याहू ने हमास को मिटाने का अपना संकल्प दोहराया। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का प्लान तैयार है, इंतजार सिर्फ सही वक्त का किया जा रहा है। इस सब के बीच इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि हमास के आतंकी खुद को अब मरा हुआ समझे। अलग अलग मोर्चों पर सेना के बीच जा रहे इजरायली पीएम लगातार जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। हमास हो या हिजबुल्ला के आतंकी, इजरायल की एक ही रणनीति है, आगे बढ़ो और आतंक का सफाया करो। अब तक के ऑपरेशन में इजरायल लगातार आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इजरायल ने आतंकियों के खात्मे की कसम खाई है और उसके लिए काम भी किया जा रहा है। हवाई हमलों के साथ अब सबको ग्राउंड ऑपरेशन का बेसब्री से इंतजार है, ताकि बेकसूर इजरायलियों को मारने वाले आतंकियों का अंत जल्द से जल्द किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।